नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी श्यामलक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ मटन और सारे चीज मैं मिक्स करके बनाऊंगी। और ये रहा मसाला, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। और नए अंदाज में बनाऊंगी, आज मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी, इसमें मैं थोड़ा बहुत कूट के डालूंगी। तो ये रहा थोड़ा सा लहसुन, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं टमाटर की कट कर लेती हूँ। इसमें लहसुन है, अदरक, दोस्तों इसमें टमाटर और प्याज और सारे कुछ को मिक्स करके बहुत ही बिल्कुल नए अंदाज में बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। लहसुन का पेस्ट है और साबुत भी लहसुन डालूंगी, उसे ऊपर से चूसने में बहुत मजा आता है। और ये मैंने मटन, इसमें धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार नमक, जितना आपको नमक चाहिए। और मैं इसे सारे कुछ तेल उल डाल के सारे मैं इसे मिक्स कर दूंगी, गैस पे चढ़ा दूंगी और फिर थोड़ा 2-4-10 मिनट तक मैं इसे भूजूंगी और उसके बाद सीटी लगा दूंगी। मैंने हल्का सा नमक लगाया। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही जरूरी रहता है जो गर्म पानी डाले तो जल्दी पकती है ये। बनके रेडी हो चुका है और अच्छी तरह से बिल्कुल पक गया है, इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी बन रही है। और मैं इसे थोड़ा सा छौंका लगा देती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ऊपर से टेस्ट लगता है खाने में। और मैं इसे कपड़ा को साफ कर देती हूँ।